जाके हमारा जो कम्युनिटी का है ये है ना कि ये कम्युनिटी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रही है, ये जो हम लोग चीज है इसको हम लोग हटा पाएंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन का हमारा कम्युनिटी का एक इमेज हम लोग बना पाएंगे। इसके अलावा खास तौर से कुछ दिनों से हम लोग एक चीज पर मेहनत कर रहे हैं और ये चीज पर यहाँ पे जो कम्युनिटी बैठे हुए है हम लोगों को बहुत गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे हम लोगों ने समझ लीजिए हम लोग यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, कॉलेजेस हम लोगों ने कर लिया, सुपर फोर्टी कर लिया, अजमोल आईएएस एकेडमी कर लिया, हम लोग अजमोल मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल जो क्लास 8 से लेकर 12 तक बच्चों को पढ़ा के आईआईटी में एम्स में जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में आप लेके जाने के लिए हम लोग कर लिया, ये सब सफिशियंट नहीं है। कुछ ही बच्चों को हम लोग सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, बाकी पूरा कौम का क्या होगा? और सिर्फ हम लोग मुसलमान, सिर्फ मुसलमान के बारे में सोचना नहीं चाहिए, हमारे बहुत सारे आलिम यहाँ पे हैं, हम लोग पूरा कौम के बारे में सोचना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सबके बारे में हमारा भलाई का पार्ट उनका पहुंचना चाहिए, तब जाके लोग हमारे को अच्छा सोचेंगे, हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। तो ये सब करने के लिए कोई एक इंस्टीट्यूट से कुछ सारे इंस्टीट्यूट, कुछ सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ सारे यूनिवर्सिटीज काम नहीं हो पाएगा। सबको लेके आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में था, वहां पे हम लोगों ने जब डिस्कशन किया, वो लोग बहुत बेहतरीन मेहनत करके एक मॉडल लाया है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर चीजों का पॉलिटिकल लेके सोशल इकोनॉमिकल सब कुछ लेके मस्जिद नबवी से होता था, आज हमारे मस्जिद में सिर्फ इमाम साहब का सैलरी और मस्जिद साफ सुथरा और कहीं पे जाके मकतब का पढ़ाई के अलावा हमारे मस्जिद कमेटी कुछ भी नहीं सोचते। हम लोग इतना बेहतरीन सोशल स्ट्रक्चर दुनिया में कोई जाति के पास नहीं है जो हमारे मुसलमान पे है। हम लोग हर लोग नमाजी हो या कम नमाजी हो, हम लोग जुम्मे में सब लोग जाके इकट्ठा होते हैं, नमाज पढ़ के हम लोग चले आते हैं। मैंने इंग्लैंड में देखा है, वहां पे मस्जिद नमाज के बाद एक रूम होते हैं, रूम पे जिम्मेदारान जाके बैठते हैं और वो लोग सोचते हैं दुनिया के बारे में, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दुनिया पे कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ वो लोग वो पूरा मस्जिद में ये कमरे में बैठ के वो सोचते हैं कि हमारे इसमें क्या मदद हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वहां पे लोग डिसीजन लेते हैं, लोगों को ऐलान करते हैं, पैसा आता है उस जगह पे वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के वो काम करते रहते हैं। मस्जिद से बेहतरीन काम होने का है, अगर हर मस्जिद में ऐसा हो हर मुसलमान इसका फायदा ले सकता है, हर मुसलमान को फायदा हो सकता है, हर मुसलमान का भलाई हो सकता है। मस्जिद के छोड़ के हम लोग कुछ स्कूल कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन अजमल फाउंडेशन हमारे बद्रुद्दीन अजमल साहब कहते हैं एक अजमल फाउंडेशन से क्या हो सकता है, ऐसे हजार अजमल फाउंडेशन चाहिए, ऐसे हजार अजमल फाउंडेशन चाहिए। तो हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग बहुत ख्याल रखना चाहिए और इसमें आलिम उलमा से लेके इमाम साहब से लेके बिजनेस कम्युनिटी से लेके जनरल एजुकेटर्स जो है इनसे लेके हम लोग अगर ये सोच करें कि हमारे हमारे मोहल्ला में जो इश्यूज है उसको कैसे, मोहल्ला में एक बच्चा है पढ़ाई में बहुत बेहतरीन है, सब अपना अपना बच्चे का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चा है मोहल्ला में सबसे मेरिटोरियस इंटेलिजेंट बच्चा वो है, लेकिन उसका बाप के पास पैसा नहीं है, पढ़ा नहीं पा रहा है, हम लोगों का मोहल्ला की जिम्मेदारी बनता है कि इस बच्चे को पढ़ाने का। मैंने सिराजुद्दीन अजमल साहब ने एक प्रोग्राम किया था, वहां पे मुझे ऐसे स्पीच रखने के लिए दिए थे, 600 मस्जिद है सिर्फ जमुना मुख कॉन्स्टिट्यूएंसी, जमुना मुख में 650 ऐसा कुछ होगा, एक एक मस्जिद में एक एक बच्चे को अगर स्पॉन्सर करे तो 650 बच्चे सिर्फ जमुना मुख में वो हायर एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। कौन ऑर्गेनाइजेशन कर पाएगा, कौन ऑर्गेनाइजेशन 5000 करके एक ऑर्गेनाइजेशन देगा, 100 बच्चों को देंगे तो कितना बड़ा अमाउंट कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास होता ही नहीं, लेकिन एक एक मस्जिद अगर एक एक बच्चे को स्पॉन्सर कर ले, एक एक मस्जिद हम लोग सोचे एनसीबीएल के पास जो प्रोजेक्ट है हम लोग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करें, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन करें मस्जिद कमेटी,
और ऐसे फायदा ले, हर एक आईटी सेंटर बन जाएगा, ये तो एक एनसीपीएल का सेंटर आईटी सेंटर बन जाएगा, उसका फायदा सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए नहीं, पूरा बेनिफिट जो जॉब्स वगैरह होगा, जो